पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली अलीगढ़ की सामाजिक संस्था आर्टिस्ट टीम बी रावत ने डस्टबिन में फेंके जाने वाली पॉलीथीन से भारत माता की एक आकृति बनाई है। इसे 1000 वर्ग गज में बनाया गया है। इस आकृति को जिसने भी देखा वह दंग रह गया। आकृति बनाने वाली टीम की सदस्य बरखा रावत ने बताया कि हम 8 लोगों की टीम है। हम लोगों को इस आर्ट को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक प्लास्टिक से समाज को कैसे मुक्त रखा जाए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि उपयोग न होने वाली चीजों का भी हम सही उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पॉलीथीन को डस्टबिन और कूड़े के ढेर से लेकर आते हैं और फिर इनको साफ करके इनसे तरह तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आपको बता दें कि भारत माता की आकृति बनाने वाली बी रावत टीम के सदस्यों ने इससे पहले सूखे पत्तों से प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी आकृति तैयार की थी, जिसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की थी। सोशल वर्कर टीम के सदस्यों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से आमजन को जागरूक करना चाहते हैं कि लोगों की नजर में जो कूड़ा होता है उससे भी आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। साथ ही इससे पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलता है।